गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। अब बच्चों को स्कूलों की मौज मस्ती की याद सताने लगी। 8 माह से बच्चे हैं घरों में कैद और 1 माह और बढ़ाई स्कूलों पर पाबंदी। बूंदी, नया सत्र भी कोरोना से प्रभावित होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन ने बढ़ाई चिंता। और अब स्कूल आने लगी है, अब याद आने लगी है स्कूलों की मौज मस्ती, विद्यार्थियों की चिंता बढ़ रही। और क्या है बड़ी समस्या है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब अगली खबर देखते हैं। स्कूल नहीं जाना बना रहा बच्चों को जिद्दी, अभिभावकों की बड़ी जिम्मेवारी, अलवर। और इस बारे में पत्रिका ने बच्चों व मनोरोग चिकित्सक से की बातचीत। और इनका कहना है कि ऑनलाइन विकल्प नहीं है, सभी की जिम्मेवारी, सभी को साथ लेकर चले और बच्चों पर ध्यान देना आवश्यक है, हम सब है तैयार। कोरोना का साया, घर जाकर होमवर्क देने का आदेश वापस हो। राजस्थान शिक्षक संघ युवा ने भेजा शिक्षा मंत्री को ज्ञापन, बाड़ी। अगली खबर, सुपर फास्ट रिजल्ट देने वाला JNVU इस बार बना फिसड्डी। परीक्षा के 2 महीने बाद भी 1 दर्जन से अधिक परीक्षाओं के परिणाम अटके और पिछले साल परीक्षा खत्म होने के 1 हफ्ते बाद ही आ गए थे नए नतीजे। जोधपुर, प्रशिक्षित शिक्षिकाओं को नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान दिलाने की मांग। राजस्थान शिक्षक संघ ने दिया ज्ञापन, बांसवाड़ा। प्रतिबंधित होगी आर्टिकलशिप कर रहे छात्रों की क्लाइंट से सहायता। CA कर रहे छात्र पहनेंगे लंबी आस्तीन का शर्ट पैंट, वहीं छात्राएं साड़ी या सलवार सूट। और OICAI ने जारी किया है ड्रेस कोड। ऑडिट कर रहे हैं तो क्लाइंट से सहायता नहीं लेंगे। जोधपुर, और घोषित तिथि से पूर्व ही काउंसलिंग राउंड 1 का परिणाम जारी। टॉप 12 विद्यार्थियों ने चुना NIE ने जयपुर। 81 पेजों की सीट आवंटन सूची में 2494 है सफल विद्यार्थी। कोटा, नौकरियों के अवसर। 43 लैब अटेंडेंट, हिंदी ट्रांसलेटर और अन्य पदों पर कर सकते हैं आप ऑनलाइन आवेदन। और अंतिम तिथि है इसकी 25 जनवरी 2021। डेट रिमाइंडर AU भर्ती 2020, 117 लैब सुपरवाइजर। और इसके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 25 दिसंबर 2020। वहीं मझगांव डाक अप्रेंटिस भर्ती 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 23 दिसंबर 2020। BECIL भर्ती 2020 स्नातकों के लिए रिक्त फील्ड टेक्निकल ऑफिसर के 8 पद, 11 दिसंबर तक आप इसकी आवेदन कर सकते हैं। और XIT 2021 रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि बढ़ गई है, 10 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग भर्ती 2020 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नौकरी का अवसर। आयु सीमा 1 अगस्त 2021 को 35 वर्ष से अधिक उम्र ना हो और 22 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर देखते हैं। सरकारी विद्यालय को उपलब्ध होने लगा बजट, खेलों से बढ़ाएंगे विद्यार्थियों की इम्यूनिटी। खातोली, विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ, 6 विद्यालयों में स्थापित होगी राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयां। सवाई माधोपुर, नई शिक्षा नीति, 9 बैग डे से लाभान्वित होंगे 1ली से 12वीं तक के विद्यार्थी। बस्ते के बोझ से कंधों को राहत, महीने में 10 दिन 9 बैग डे। और कम होगा कक्षा 1 से 8 तक का पाठ्यक्रम। श्रीगंगानगर, शिक्षा समाचार। शिक्षा से वंचित बच्चों को जोड़ेंगे स्कूल से, शिक्षा की उजियारे से जगमगाएगा डूंगरपुर। विभिन्न विद्यालयों में हुई उजियारी पंचायत की बैठक। डूंगरपुर, NTT भर्ती में नियुक्ति नहीं देने पर कोर्ट ने मांगा जवाब। सिक्कर, प्रेरकों की सेवाओं पर फैसला जल्द। प्रदेश में है 4.20 लाख निरक्षर, शेखावाटी में सबसे कम, सिरोही में सर्वाधिक। और पढ़ना लिखा अभियान से होंगे साक्षर, योजना अब नए सिरे से होगी लॉन्च। 1950 से साक्षरता की मुहिम। और राजस्थान पटवार भर्ती अब 6 चरणों में होगी इसकी परीक्षा। शबरीय ट्राइब वर्ग में 320 आवेदन, वहीं कैटेगरी वाइज प्राप्त आवेदनों का वर्गीकरण। कुल आवेदन संख्या है इसमें 13,49,321। वहीं OBC के आवेदन है 6,11,179। SC के 2 लाख, ST के 1,98,000। सामान्य आवेदन है 1,32,000 और EWS के लिए 1,34,000। और MBC आवेदन है 56,315। मदरसा विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में जुट रही भीड़, जिम्मेदारों के ऐसे सरोकार तो बनेंगे ही कोरोना के शिकार। कैशलेस और डिजिटल लॉकर सुविधा नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में परीक्षात्मक कार्यों में उमड़ी विद्यार्थियों की भीड़। 17 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म, 29 तक जमा कराना होगा शुल्क। PG प्रीवियर्स के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू। क्या रहेगा कार्यक्रम आप देख सकते हैं। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने की प्लानिंग, ऑनलाइन क्लासेस पर ही फोकस। कटे सिलेबस का मिलेगा मटेरियल, वर्चुअल लैब्स में ही होंगे प्रैक्टिकल। क्लास में दी जाएगी मटेरियल की जानकारी। गुड अकेडमिक अनिवार्यता में मिलेगी छूट, सिलेबस कटौती, प्राप्तांक कमी पर अंतिम निर्णय नहीं। जयपुर, नेतृत्व क्षमता विकास के लिए आनंदम विषय प्रारंभ, विद्यार्थियों को डायरी में दर्ज करने होंगे अच्छे कार्य। भरतपुर,
मुख्यमंत्रियों को पत्र, बोर्ड के लिए जरूरी। सीआईएससी ने 4 जनवरी से स्कूलों की अनुमति मांगी, चुनाव की भी तिथियां मांगी। नई दिल्ली, बिहार आईपीएस पर गिरी गाज। बिहार सरकार ने 644 पुलिस कर्मियों के खिलाफ शराबबंदी में कोताही बरतने, अवैध बालू खनन, भूमि विवाद संबंधी मामलों में कार्रवाई की है। 85 राजपथित पदाधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। वहीं 38 राजपथित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और जून 2021 तक एग्जाम स्थगित हो चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड परीक्षा 2020 को रद्द करने और जून 2021 तक उसी को स्थगित करने का फैसला किया है। अगली खबर, देश में पहली बार सोलापुर के शिक्षक रणजीत को ग्लोबल टीचर पुरस्कार इनाम में मिलेंगे 7 करोड़ रुपये। दिल इतना बड़ा कि आधी रकम टॉप 10 में आए बाकी 9 प्रतिस्पर्धियों को देंगे, बाकी आधी रकम नवाचार कोष में देंगे। 33 आईपीएस के लिए सौगात लेकर आएगा नया वर्ष, मिलेगा प्रमोशन। और प्रमोशन के लिए 2008 बैच के हैं 13 आईपीएस और 2007 बैच के 7 आईपीएस बनेंगे डीआईजी। राज्य सेवा के अधिकारी 2 माह से राज्य के लिए अवकाश पर गए तो रिक्त माना जाएगा पद, अब लंबी छुट्टी की तो सरकार नहीं झेलेगी। जयपुर, जोधपुर संभाग में 2 लाख से अधिक है निरक्षर, शुरू होगा पढ़ना लिखना अभियान, 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को जोड़ा जाएगा। जोधपुर, भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर ने जीता 7 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय इनाम, लंदन। क्लास 6 व 9 की चयन परीक्षा अंतिम तिथि है 15 दिसंबर। कुछ कृषि संस्थानों की 29वें पायदान पर पहुंचा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, SKRAU ने रैंकिंग में 28 स्थानों की बड़ी छलांग लगाई। बीकानेर, अभिभावकों ने स्कूल फीस माफी के लिए कैंडल मार्च निकाला, शहीद स्मारक पर शुक्रवार को 5वें दिन भी धरना जारी रहा। जयपुर, स्कूल खोलने की तैयारी, 2री से 8वीं तक का आधा कोर्स हटाया, 17 कब से होगा शुरू। जयपुर, IIT दिल्ली के छात्रों पर बढ़ती नौकरियां, नई दिल्ली, अब एक दिन में जॉब के 300 ऑफर, राजस्थान के बच्चों के लिए बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षाओं से पहले बताया जाएगा पेपर पैटर्न। जयपुर, CBSE ने दिया स्कूलों को अवसर, स्कूलों को दुरुस्त करनी होगी त्रुटियां, स्टूडेंट्स के फॉर्म में रही गलतियों को सुधार सकेंगे स्कूल, श्रीगंगानगर। और राजस्थान के बच्चों के लिए बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द जारी करेगा मॉडल पेपर, बोर्ड परीक्षाओं से पहले बताया जाएगा पेपर पैटर्न। 2री से 8वीं तक का आधा कोर्स हटाया, 1ली के बच्चे करेंगे पूरी पढ़ाई, स्कूल खोलने के संकेत। बीकानेर, राजस्थान में अनोखी पहल, सरकारी स्कूल में सूखा राशन, दाल तेल और मसाले बच्चों में बटेंगे। जयपुर, और राशन कार्ड के आधार नंबर की सीडिंग नहीं तो राशन नहीं, प्रदेश के 70 लाख लाभार्थियों के आधार नंबर सीडेड नहीं। बुड़किया सीनियर स्कूल का PEO ने किया निरीक्षण, भोपालगढ़, सरकारी शिक्षक ने सपत्नीक देहदान का संकल्प दिया। जोधपुर, सरकारी स्कूल के शिक्षक ने अपनी पत्नी के साथ देहदान करने का संकल्प लिया। शिक्षक भर्ती 2013 में गणित विषय से जोधपुर जिले के द्वितीय वरीयता से चयनित शिक्षक अजय प्रकाश, पुत्र स्वर्गीय रमेश प्रकाश बिलाड़ा, तहसील के भाविक गांव के निवासी हैं। दावा प्रपत्र पूर्ति कर आहरण वितरण अधिकारी से पोर्टल पर ऑनलाइन भिजवाए। जोधपुर, IIT का मिक्स्ड रियलिटी मोड पर दीक्षांत समारोह कल, 3D अवतार बांटेंगे डिग्रियां, 332 छात्रों की 3D अवतार लेंगे डिग्री। दिसंबर 15 को हो सकेगा ऑनलाइन आवेदन, जवाहर नवोदय विद्यालय मोहनगढ़ में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा। उपाचार्य ITI का परिणाम जारी, अजमेर। और अगली खबर देखते हैं, देश के 250 विद्यार्थियों वाला पहला मेडिकल कॉलेज होगा अजमेर में। जयपुर, और RAS भर्ती के साक्षात्कार लेने पर अंतरिम रोक, अगली सुनवाई 10 दिसंबर को। जयपुर, राशन कार्ड को आधार से करना होगा लिंक, आधार से सीडिंग नहीं हुई तो यह होंगे नुकसान, और सीडिंग कार्य 10 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। मिनिस्ट्रियल स्टाफ और आइसोलेटेड कैटेगरी की भर्ती परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी, रेलवे भर्ती बोर्ड 15 से 18 दिसंबर तक चलेगी परीक्षाएं। अजमेर, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 अंतिम आंसर की को चुनौती देने वाली याचिकाएं कोर्ट में की खारिज। जोधपुर, राजस्थान शिक्षक संघ ने घर घर होमवर्क देने के आदेश पर जताया विरोध। जोधपुर, और शिक्षा विभाग में पदोन्नति रोस्टर रजिस्टर संधारण करने की मांग, देचू। सम्मानित शिक्षकों को जिला मुख्यालय पर हुआ अभिनंदन। बाड़मेर, गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता, राज्यपाल। राजस्थान में उच्च शिक्षा में तेजी से हुआ विकास, मुख्यमंत्री। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में विधि एवं सामाजिक विज्ञान भवन का ऑनलाइन लोकार्पण। 9 माह बाद बच्चों के कंधों पर नजर आए स्कूल बैग, देणोक। विद्यार्थियों के घर जाकर शिक्षक करवा रहे हैं शिक्षण कार्य, फलोदी।
आयोग को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति का इंतजार। आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 के साक्षात्कार स्थगित होने से अभ्यर्थी हताश। अजमेर, प्राइवेट विद्यार्थी आज से भर सकेंगे बोर्ड परीक्षा के फॉर्म, सीबीएसई ने दिया एक और मौका। अजमेर विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को 10 तक प्रवेश का मौका। जोधपुर, फार्मासिस्ट भर्ती सेवा नियमों में संशोधन कर रिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग। एनएचएम फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने दिया ज्ञापन। और विश्वविद्यालय केवल परीक्षाएं ही न ले अपितु लीडरशिप भी तैयार करे, डॉक्टर गर्ग। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक वर्षीय कंप्यूटर कोर्स के विद्यार्थी को शामिल करने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। चयन परीक्षा के लिए 15 दिसंबर से पूर्व करें आवेदन, आर के जायसवाल। नवोदय विद्यालय की प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित, मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम कल सिरोही। और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 1522 पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं, इनके कुल पदों की संख्या है 1522 और कांस्टेबल केवल पुरुष 574 पद। अगली खबर, सिलेबस घटा अब खुलेंगे स्कूल, दूसरी से आठवीं तक का आधा कोर्स हटाया, पहली से बच्चे करेंगे पूरी पढ़ाई, स्कूल के संकेत। SIEIT की साइट पर उपलब्ध हुआ संशोधित पाठ्यक्रम, बचे हुए कोर्स के साथ बताए प्रस्तावित कालांश। बीकानेर, और पहली कक्षा के बच्चों की पूरी पढ़ाई। न्यू पेंशन स्कीम ने नौजवान कर्मचारियों का भविष्य किया अंधकारमय, गंगापुर सिटी। चयन परीक्षा के लिए 15 दिसंबर से पूर्व आवेदन कर सकते हैं, DM धौलपुर। गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता, मिश्र। हमारे प्रयासों से प्रदेश में बना उच्च शिक्षा का बेहतरीन वातावरण, मुख्यमंत्री। आरएएस भर्ती के साक्षात्कार लेने पर अंतरिम रोक, जयपुर। बोर्ड परीक्षाओं से बच्चे पहले बच्चों को पेपर पैटर्न बताने की कवायद शुरू, जयपुर। पंचायत राज व निकाय चुनाव में शिक्षा विभाग के तबादलों पर लगा ब्रेक, 34,730 शिक्षक वर्ग के और 2073 मंत्रालयिक वर्ग के कर्मचारियों ने आवेदन किए। खुद शिक्षा मंत्री को भी मुख्यमंत्री व सामान्य प्रशासनिक विभाग से लेनी होगी अनुमति। विभागों की प्राथमिकता के आधार पर एक्शन प्लान तैयार करे, समित शर्मा। समय पर दफ्तर नहीं आने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर की जाएगी सख्त कार्यवाही, संभागीय आयुक्त। और कार्यालय और अन्य स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर कई शिक्षक, शिक्षण और कार्य व्यवस्था के आदेश अब पोर्टल से ही जारी होंगे। कार्य ग्रहण और कार्य मुक्त करने का काम शाला दर्पण पोर्टल से होगा। CBSE विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म की प्रविष्टियों में सुधार का सशर्त अवसर। और आखिर में है आज का सुविचार, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं नीलम इस वीडियो में आपसे विदा ले रही हूँ। गुड बाय, टेक केयर।